हाय दोस्तों, तो देखिए आप को है, देखिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा फूल है, क्योंकि देखिए ये जो फूल है काफ़ी अद्भुत और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। देखिए ये जो है पूरा एकदम पीला पीला है, देख सकते हैं आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये फूल काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। देखिए इतना बड़ा एरिया में है कि दूर से काफी खूबसूरत दिखता है, देख सकते हैं। और ये फूल जो है काफी कांटेदार है, देख सकते हैं इसका जो है ये कांटेदार एकदम है पूरा। इसमें जब अंदर घुसने के बाद इसमें पैर में चुभने लगता है, तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो फूल है दोस्तों, इस फूल को कोई बोया नहीं है। एक्चुअली ये जो फूल है अपने आप उगा हुआ है, देखिए खुद से उगा हुआ है, इसको ना कोई बोया है। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने से गुजर रहे थे तो हमको दिखा, देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल दिखा, एकदम पूरा बहुत बड़ा एरिया में है। देखिए एकदम नीचे तक आपको दिखाई देता होगा, एकदम नीचे तक आपका दिखाई दे रहा है इसमें, तो काफ़ी खूबसूरत लगा। इसलिए हम सोचे इसको कैमरे में कैद करके और भी साथियों को दिखाया जाए। इसीलिए हम इस फूल को देखिए आपको दिखा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये जो फूल है। और ये जो फूल है इसका नाम पता नहीं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है और जनरल में भी इसको क्या कहते हैं वो भी पता नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आखिर इसको कहते क्या हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो है ऑटोमेटिकली उगा हुआ, देखिए यहाँ पे बहुत सारा फूल का पौधा है। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने खुद से बोते हैं लेकिन इतना खूबसूरत फूल नहीं खिलता है। लेकिन देखिए ये बिना बोए इतना खूबसूरत लग रहा है कि मानो एकदम कोई बगीचा में आए हुए हैं। देख सकते हैं पीछे भी छूट गया, देखिए ऐसा लगता है खेती किया हुआ है, लेकिन यह खेती नहीं किया हुआ है बल्कि यह खुद उगा हुआ है। हो सकता है इसमें एक दो या फिर कुछ पहले उगा होगा, उसमें बीज झड़ के रह गया होगा, तो उसी के झड़ने के वजह से या इसका सीजन के अनुसार यह फिर उग जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और इस फूल का क्या नाम है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए एक बार आपको फिर जूम करके दिखाते हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई न्यू वीडियो।